हे गाइस, गुड मॉर्निंग। फिर से तेज बारिश शुरू हो गई है। आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल और आपकी उतावली ज्योत्सना जायसवाल, आपकी उतावली इंडियन यूट्यूबर। उतावली क्या, काम तो होना चाहिए ना, नहीं तो कैसे चलेगा। और कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया, परसों का व्लॉग मैंने आज अपलोड किया, क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत परेशान थी। अतिथि का तबीयत बहुत ख़राब था, उसको कैच आ रहा था पाँव में, और उसकी वजह से पूरी रात परेशान हुई। मतलब मैंने जाने का प्लान भी बना लिया था कि मैं जाती हूँ, फिर बारिश इतनी तेज़ थी कल भी तो नहीं निकल पाई। मैं बोली रास्ते में मैं कहीं फंस जाऊंगी तो इसलिए नहीं निकल पाई। और ये ऐसा कोमड़ा क्यों हुआ है यार, ये चिपक हो गए। मैंने बाल पता है कितने दिन से नहीं धोए, मुझे ट्यूसडे को बाल धोने थे, ट्यूसडे से घंटाला किया है। ठंडे पानी से मुझसे नहीं होगा बाल धोने को, और गीजर चालू करने को मुझे डर लगता है, फिर मैं भूल जाती हूँ। कल भी क्या हुआ, कल मैं दोपहर को गई पार्लर पे 3 बजे, तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने एक रोटी बनाई तो है, लेकिन मैंने गैस बंद किया कि नहीं पता नहीं, और तवा ऊपर रखा था गैस के ऊपर, तो मुझे वो टेंशन। मैं जल्दी से 8 बजे भाग के आ गई और देखा तो गैस बंद था। मतलब मेरे वहम तो कभी खत्म हो ही नहीं रहे हैं। और वो बैंक वाली मैनेजर पे बहुत गुस्सा आ रहा है, दिमाग में मेरा उसका ही बात चल रहा है, और पता नहीं वो उसके हस्बैंड के साथ वैसा ही करती होगी शायद शायद क्या 100% लोग ऐसे रहते हैं। और आज मैंने ये वाला टॉप पहना है, कैसा लग रहा है बताइएगा। थोड़ा सा चेंजेस करने को अच्छा लगता है। बाय द वे, आपको अपडेट दे देती हूँ कि अतिथि को कैच का दवा, एक्चुअल में ना उसने मुझे बताया ही नहीं कि कैच आ रहा है, उसने मुझे यही बताया कि पैर दुख रहा है, पैर दुख रहा है। तो मैं बोली कॉम्बिफ्लेम खा ले तो अच्छा हो जाएगा, कॉम्बिफ्लेम खा ले तो अच्छा हो जाएगा। उसने मुझे बताना चाहिए ना कि कैच आ रहा है, तभी मुझे पता चलेगा ना कि विटामिन कम हो गए हैं सारे। और एक्चुअल में मैं भी तो खाने पीने में, कैसा आपको पता है, जीरो ऑयल खाना बनाती हूँ, लेकिन अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया। जब मैंने देखा ना अतिथि का इतना भयानक ट्विस्ट आ रहा था पाँव में, तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने बोला नहीं, सारे प्रोटीन्स वाले खाने खाने चाहिए। एक्चुअल में मैं तो खा लेती हूँ दाल चावल, ऐसे सब अच्छे से खा लेती हूँ, और आजकल तो मैं घी डाल के भी रोटला वोटला बना लेती हूँ। हाँ, सब्जियां नहीं ला पाती हूँ मैं, क्योंकि आजकल बारिश 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 उसकी वजह से। तो बस यही सब कुछ था आज का अपडेट, और निकलते हैं पार्लर के लिए। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। कपड़े एक भी सूख नहीं रहे हैं, बाप रे, कपड़े यहाँ वहाँ फैले पड़े हैं। और ना मुझे ऐसे लगता है कि मुझे पीछे ना स्कूटी के पीछे एक बोर्ड लगाना पड़ेगा कि कृपया हॉर्न ना बजाए, क्योंकि ना इतना पानी भरा रहता है उसमें से हम स्लोली स्लोली चलते हैं, और लेडीज चला रही है समझ में आ रहा है, तो भी लोगों को, जेंट्स लोगों को समझ में आता ही नहीं है सच में। सॉरी, मेरा व्लॉग कोई देख रहा है जेंट्स तो, पर सच में बोलूँ ना, मैं लेडीज की ओर से बोल रही हूँ कि जेंट्स लोगों को कुछ समझ में आता नहीं है, उनको हर चीज की घाई रहती है। और मतलब सोचना चाहिए ना, लेडीज धीरे धीरे निकल रही तो आप उसके पीछे पीछे निकलो ना, उसको हॉर्न बजा बजा के इरिटेट कर डालते हो और घबरा डालते हो। कैसे वो आपको साइड देगी, साइड में खड्डे इतने सारे रास्ते पे हो गए, साइड देना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कल सोचा एक बोर्ड ही मार देती हूँ स्कूटी के पीछे, कृपया हॉर्न ना बजाए, तब उनके समझ में आएगा। पर अंधे लोगों को दिखेगा भी के नहीं क्या मालूम, क्योंकि उनको इतनी जल्दी रहती है ना अपनी बीवी के पास पहुंचने की, पता नहीं फिर से तूफानी बारिश शुरू हो गई है, बाप रे। और मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए। देखिए इतनी बारिश में कोई कैसे जाएगा। ओ गॉड, वेदर फोरकास्ट में आज बताया है कि खूब बारिश है। चलिए भगवान जी सब कुछ अच्छा करो, और अतिथि का तबीयत एकदम से अच्छा कर दो। उसके विटामिन कम हो गए हैं, दवा तो वो लेके आई है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा मुझे हेल्प कर दो और उसका तबीयत अच्छा कर दो, और सब कुछ अच्छा अच्छा करो।
कपड़े ढेरों सुखाए हैं, सूखते ही नहीं हैं। इतनी परेशानी होती है कि पूछो मत। इंसान के पास इतने तो कपड़े होते नहीं है ना कि चार चार पांच पांच जोड़ी इनर गारमेंट सूखते नहीं है, तो कैसे इंसान पहनेगा और क्या करेगा। और बारिश तो तूफान बारिश, सारी दीवारें गीली हो गई है, इतना डर लगता है कि पूछो नहीं। कहाँ कहाँ पानी गिर रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है। बारिश थोड़ी रुकी है, बहुत तूफानी बारिश थी। मैं आ गई हूँ पार्लर पे और बैठी हूँ। बच्चे लोग को मैसेज कर दिया है कि स्कूल चालू है, तो प्ले स्कूल मेरा चालू है क्योंकि बारिश रुक गई है ना। कितना अच्छा लगता है ना, फुल टाइम पास है। लेग्स डाउन, लेग्स डाउन, हेतवी लेग्स डाउन, वेरी गुड। आणि हेतवीचं बॅग ब देखो कितना मस्त। अरे बच्चे लोग का बॅग ना इतना अच्छा अच्छा आता है ना, ये बॅग देखो कितना मस्त। हेतवी दहा बाई चिमण्या करूया, दहा बाई चिमण्या बोल, दहा बाई चिमण्या भारी चिऊ चिऊ, दहा मधून एक गेली नऊ राहिले, नऊ बाई चिमण्या भारी चिऊ कर तू, नऊ बाई चिमण्या, रे 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 कुठे 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 चाललीस। चलो बच्चे लोग के साथ मैं खेल लेती हूँ थोड़ा, उसके बाद मिलूंगी आपको। काय 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 बोलते, हिया हिया हो बोल, शाबाश बोल, शाबाश शाबाश शाबाश, हिया हिया हो बोल। ओल्ड मैकडोनाल्ड हैड ए फार्म, हिया हिया हो। In that farm he had one dog, hiya hiya ho. Dog says bobo 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 bobo. कितनी चाल करते तो बापू हाँ। तो बच्चे स्कूल से चले गए हैं और तूफानी बारिश हो रही है, आपको दिखाती हूँ। तो बारिश में मजे लेंगे ना। वाओ चलिए इसको खाते हैं मजे से। ये मैं चम्मच से खा लेती हूँ इसलिए ऐसा ही बना के लाती हूँ, बेसन की सब्जी। इसके इस तरह से पूरा पूड़ा बनाती हूँ मैं बेसन का, और उसको फिर फोल्ड कर देते हैं। ये मेरी सासू माँ की रेसिपी है, और उसको फिर पानी बघार के उसमें सारे मसाले डाल के फिर इस तरह से ये पीस को डाल देते हैं, तो ये नरम नरम इतना अच्छा हो जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा सा बेसन, बेसन की कोई भी चीज़ ना मुझे बहुत पसंद आती है, तो मैं हमेशा वही बनाती रहती हूँ। मैं अब डर रही हूँ अतिथि का, इतना मतलब पाँव में ट्विस्ट आते थे, क्रैम्स आते थे, तो वो देख के मैं डर गई हूँ कि मैं तो कितना कम विटामिन्स वाले खाना खाती हूँ एकदम से। मतलब एक खाती हूँ तो एक ही खाती रहती हूँ, चेंज करती नहीं हूँ। सब्जियाँ तो मैं महीनों हो जाता है लेती नहीं हूँ। तब खाने पीने में पूरा ध्यान देना पड़ेगा। इसका गला बहुत बड़ा है और बार बार मुझे ऐसे ऊपर करना पड़ रहा है। आज तो पूरे पार्लर में पसारा ही पसारा हो चुका है, और मैं साफ सफाई करना भी रह गया है मेरा, सब दूर पसारा पसारा हो रहा है। मैंने सोचा चलो ब्लॉग को थोड़ा सा चालू करते हैं और ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। मेरे खजाने में क्या क्या है, मेरा खजाना देखिए, पूरा मेकअप का सामान है इसमें। बहुत दिनों से मुझे हाइलाइट्स का इतना याद आ रहा था, पता मतलब दिल कर रहा था मैं लगाऊं। और ये मेरी मिसप्लेस हो गई थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है फेस पे, पर बारिश में ना वाइट वाइट हो जाता है इसलिए मैं कुछ लगाती नहीं। सोचा अभी थोड़ा सा टाइम है तो रेडी हो जाती हूँ। इसको हम इसमें ही रखेंगे ताकि हमेशा मिल जाए। पहले तो रोज मेकअप करके रखती थी। एक्चुअल में
मैं इतनी मेकअप लवर नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना काजल और सिंदूर और लिपस्टिक उतना लगाने में मानती हूँ, और मैं कुछ भी लगाने में नहीं मानती हूँ। हाँ, पर कभी कभी रॉक शूट करने का है तो आप लोग के लिए मैं कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, पर सबसे बेस्ट पार्ट मुझे काजल अच्छा लगता है, और काजल मैं ऑलवेज लगा लेती हूँ। बाल धोने का मेरा अता पता नहीं है। अभी कल मैंने आपके साथ एक इयररिंग्स शेयर किए थे, आज दूसरे वाले शेयर कर रही हूँ। ये वाले आपने मेरे ब्लॉग में देखे होंगे, देखिए है ना मस्त, बहुत अच्छे लगते हैं पहनने पे ये, इस तरह से चांद बाली जैसा। आज मुझे ये मिल गए, इसको प्लास्टिक में रखना पड़ेगा, प्लास्टिक है, इसको प्लास्टिक में रखेंगे तो इसकी शाइनिंग ऐसी रहेगी, नहीं तो शाइनिंग रहेगी नहीं। तो चल कुछ एक प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करूं। ये क्या है, ये कोलोसिल का आईलाइनर है। मुझे ऊपर लाइन करने की बजाय मुझे नीचे ये लाइन करना बहुत पसंद आता है, और इससे आंखें भरी भरी लगती है, अच्छी लगती है। ऑरेंज कलर की लिपस्टिक लगाई है इसके साथ, तो मेरी पिंक कलर की लिपस्टिक जाएगी। थोड़ा सा पर्पल शेड आ रहा है ना, तो ये लिपस्टिक लगा लेती हूँ। एक्चुअल में मैं बनाने जा रही थी चाय, सब सूख गया है, तो एक्चुअल में मैं बनाने जा रही थी चाय, और फिर मुझे याद आया कि चलो चाय बनाने से पहले थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने ये वाला डब्बा उतारा। एक तो ज्यादा आया तो ये बंद नहीं हो रहा है। ये है मेरा ब्रशेस का कलेक्शन, जो ब्रशेस मैं यूज ही नहीं करती हूँ। मेरे पास है इतने ब्रश, लेकिन मैं ब्रश यूज नहीं करती हूँ। मैंने बोला ना, जैसे मैं मेकअप लवर नहीं हूँ इसलिए ऐसे ही चलता रहता है। तो चलिए इसको रखते हैं, और फिर से मिलती हूँ आपसे। तो चाय बनाने के लिए रेडी हो गई हूँ मैं, और बाल ना पूरे, मैं जब आ रही थी बहुत ज्यादा बारिश हुई थी तो बाल पूरे गीले हो गए थे, तो नीचे के बाल ना बहुत ही चिपक से गए थे। मैंने बोला ये क्या हुआ, तो अभी खोल के देखी तो बाल पूरे चिपकू चिपकू है। और आज मुझे अतिथि ने इतना परेशान किया है ना, एक्चुअली में उसका पैर में ट्विस्ट आ जाता है, तो आज मैंने उसको बोला बिल्कुल भी ऑफिस मत जा, वर्क फ्रॉम होम कर ले, पर सुनी नहीं और मुझे बिना बताए ऑफिस पहुंच गई। मैं डांटूंगी इसलिए, बिना बताए ऑफिस पहुंच गई, और मेरा जान घबरा रहा है एकदम से, क्योंकि परसों रात को उसने जो तूफान मचाया था उसको बहुत ज्यादा क्रैम्स आ रहे थे, और बहुत ज्यादा मतलब उसके फ्रेंड्स लोग भी उसको देख के, जो पीजी में लड़कियां हैं उनको उसको देख के वो लोग भी बीमार हो गई, इतना उसको ट्विस्ट आ रहा था। मुझे रात को 2 बजे फोन आया कि आंटी आप आ जाओ, इसका नहीं, अनबेरेबल पेन है। तो सुबह जाने का प्लानिंग किया था, तो बारिश इतनी जोरदार हो रही थी कि फिर मैं भी डर गई। फिर मैंने बोला एक दिन देख लेते हैं, जय का फोन आ रहा है, फोन पे बात करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। अभी मेरा चाय का टाइम हो रहा है, और मैं बनाने जा रही हूँ अपनी चाय। ये वाला छोटा वाला पैकेट में लेके आई हूँ, क्योंकि मेरी चाय पत्ती खत्म होने आई है, तो मैं छोटा वाला पैकेट दोपहर को ही लेके आई थी, ताकि मुझे चाय पीनी हो तो मैं चाय बना सकूं, और इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। जय का फोन आया था, तो जय भी वही टेंशन में थे कि अतिथि क्यों गई ऑफिस, उसको पाँव में इतना तकलीफ है तो वो क्यों गई ऑफिस। मैं बोली मुझे उसने बोला भी नहीं, फिटिंग की मेरे साथ
अतिथि ने, और खुद ऑफिस जाने के बाद मुझे बोलती है कि मैं आई हूँ ऑफिस में। फिर मैं उसको बोलूँ तो क्या बोलूँ, बताओ ना आप मुझे। और चाय से जो मेरी शुरुआत होती है, ऑलवेज चाय से मेरी ब्लॉग की शुरुआत होती थी, पर आजकल मैं चाय से नहीं करती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में फिर बहुत भागम भागी रहती है, बहुत गड़बड़ रहती है। देखो चाय की पत्ती लाए और चाय मसाला लाना भूल गई, जो मुझे बहुत जरूरी था घर के लिए। यहाँ तो है पर घर के लिए बहुत जरूरी था, मसाले बगैर की चाय तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। मैं भूल गई गई पत्ती ले आई और चाय मसाला लाई नहीं। एक्चुअली मैं उतने लिमिटेड ही पैसे लेके गई थी, तो उतने में सिर्फ चाय पत्ती ही आई। टाइट जूड़ा बना लिया है मैंने, यहाँ पे मेरी चाय कट रही है, सिर्फ इसमें अब दूध पड़ेगा। कभी कभी बच्चे लोग माँ बाप को कितना परेशान करते हैं ना, और कोई इलाज ही नहीं है, मतलब हमारा उनके सामने कुछ भी चलता नहीं। जय भी इतने परेशान है कि अरे बाप रे ये कहाँ ऑफिस चली गई फिर एकदम से। और उस रात को ना मैं बहुत डर गई थी, बाप रे बहुत डर गई थी, मतलब बहुत डर गई थी। और फटाक से इतना इतना लंबे तक का फ्लाइट की टिकट निकाल के पहुंचना बोला था, पहुंच तो जाती थी मैं 6-7 घंटे में, लेकिन पैसा बहुत खर्चा हो जाता था। कभी कभी सोचती हूँ, मुझे ऐसे लगा कि बच्चे के सामने पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, पर पैसा भी जरूरी है। और मैं जाके भी क्या करती थी, मैं दवाई खिलाती थी उसको और कुछ नहीं। पर वो इस बार तो बहुत डर गई, इस बार उसने बोला मम्मी हम सब साथ में ही रहेंगे, हम ऐसा अकेले बिल्कुल नहीं रहेंगे। और सुबह मेरी उससे बात हुई कि हाँ बेटा हम सब साथ में रहेंगे, अब इस तरह से नहीं रहेंगे। न्यू चाय की पत्ती है ना, तो चाय थोड़ा सा मतलब ज्यादा पत्ती हो गई एकदम से। चाय कप में छान ली और फिर याद आया कि अरे तौबा तौबा, शक्कर तो डाली ही नहीं है, फिर से डालिए, गरम कर रही हूँ अभी फिर से। आ जाइए आप लोग भी चाय पीने। और अभी सोते सोते ना मैं सोच रही थी कि चाय का कप मैं बदल दूँ, बहुत दिन हो गया यही कप में चाय पी रही हूँ। वैसे कप तो अच्छा है, लेकिन होता है ना इंसान के दिमाग में कुछ कुछ फितूर आते ही रहते हैं तो मेरे दिमाग में फितूर आया कि मैं कप बदल डालूँ। देना तो वहां से ठंडी ठंडी हवा आती है, दरवाजा धीरे से खुलता है और इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बारिश की वजह से ना बहुत ठंडा हो गया है, तो यहाँ बैठ के चाय पीने के मजे ही और है। और मसाले वाली इंडियन चाय किसको नहीं पसंद होगी, मुझे तो बेहद पसंद है। व्लॉग बनाती हूँ लेकिन ना मैं काट छाट नहीं करती हूँ, जो मैं बहुत बार पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं पूरी तरह से नेचुरल व्लॉग अपलोड कर देती हूँ, जरा भी उसमें कटिंग वटिंग वो सब नहीं करती हूँ। एक्चुअल में मुझे वो सब करने को टाइम भी नहीं रहता है, एडिटिंग करते हैं लोग रात को पूरी पूरी 4 घंटे, मुझसे वो सब मेरे पास उतना टाइम ही नहीं रहता है, तो मैं नेचुरल पूरा रॉ व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगता है आपको। भाई हम जिस तरह से उठते हैं बैठते हैं चलते हैं और हाथ पांव हिलाते हैं उसी तरह से व्लॉग में भी दिखता है, उसमें कौन सा बड़ा ये है कि वैसे नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छे से एकदम अच्छा व्लॉग बनाना चाहिए। अच्छे ही हैं मेरे बहुत मेरे व्लॉग, मुझे मैं अपने व्लॉग बहुत एंजॉय करती हूँ। माय गॉड ऐसी तूफानी बारिश आ रही है ना, पूछो मत।